बैंक इस्लामी कराची किंग्स का प्लैटिनम पार्टनर बन गया। मुआहदे पर मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल और बैंक इस्लामी के सदर CEO सैयद आमिर अली ने दस्तखत किए। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, बैंक इस्लामी का शुक्रिया जो पहली बार कराची किंग्स के साथ जुड़ी है। जीतेगा पाकिस्तान एक अच्छा स्लोगन है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। अली कहिएगा आप, क्या तफसील है इसकी? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए कराची किंग्स के साथ बड़े इदारों का सिलसिला बरकरार है, जो मुसलसल जुड़ते चले आ रहे हैं। आज जो है बैंक इस्लामी के साथ एमओयू की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सलमान इकबाल फ्रेंचाइज ऑनर कराची किंग्स और CEO और प्रेसिडेंट बैंक इस्लामी सैयद आमिर अली ने माहदे पर दस्तखत किए। बैंक इस्लामी ने स्लोगन रखा है जीतेगा पाकिस्तान, जो कि पूरे मुल्क की अक्कासी करता है। उनका एक ही मकसद है कि PSL में कोई भी टीम कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आना चाहिए। सलमान साहब जो है वो पहले उनकी जब मीडिया से टॉक हुई, उन्होंने यही कहना था कि वो हमेशा से यही बात करते थे, चाहे कराची किंग्स जीते या दीगर फ्रेंचाइजेस से कोई भी टीम जीते, जीत हमेशा पाकिस्तान की होनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज बतौर स्पॉन्सर अगर टीमों से कनेक्ट होती चली जाएंगी तो क्रिकेट के फरोग में मजीद बेहतरी आ सकती है। और अभी जो सूरत है वो यही है कि बैंक इस्लामी जिस अंदाज से कराची किंग के साथ जुड़ी है, इस तरह से मजीद भी फ्रेंचाइजेस के साथ अगर स्पॉन्सर मिलते चले जाएंगे तो PSL मजीद एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैन अल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।